जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल हर क्षण का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सुमन आंटी आपके लिए रोज कोई ना कोई सत्संग लेकर आती हूँ, और आज भी एक सत्संग लेके आई हूँ जो कि आया है वॉशिंगटन से, और भी काफ़ी सत्संग आ रखे हैं, तो जैसी गुरुजी की इच्छा होगी वो सत्संग आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल पर। और ये मेरे प्यारे गुरुजी हैं, हम सबके प्यारे गुरुजी हैं, तो अरदास करती हूँ मैं गुरुजी से कि गुरुजी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तो आप उन सभी को खूब खुश रखना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। और संगत जी, आपसे भी निवेदन करती हूँ कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण किता चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना खूब 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 लिखिएगा, है ना। जब गुरुजी के कमेंट में शुक्राना लिखे हुए आते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ से दिल से दुआ निकलती है, दिल खुश हो जाता है कि हाँ, मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ, ये सत्संग शेयर करना सार्थक हुआ। और इसमें जितने भी चैनल पे मैं वो डालती हूँ, सत्संग डालती हूँ, वो गुरुजी के आदेश से ही डालती हूँ। कभी कभी देखिए गुरुजी कैसे परीक्षा ले लेते हैं। आज मैं आपको कल की ही बात बताती हूँ। कल दिल्ली से एक आंटी का सत्संग आया था और मैंने शेयर किया, और उस सत्संग को शेयर करने के बाद इतना अजीब लगा, क्योंकि मैंने उसको पूरा देखा, पूरा सुना, टेस्ट करा, खुद से पर्सनली सुना, उसके बाद उसको अपलोड करा। और अपलोड करने के बाद जब मैंने दूसरा सत्संग की तैयारी में लग गई, दूसरा सत्संग मैं लिख रही थी, तो फिर मुझे पता चला कि मेरे को जब मैसेज आने लगे कि उसमें तो वॉइस ही नहीं आ रही है, तो मैंने जाके रिचेक करा। जब रिचेक करा तो पता चला कि स्टार्टिंग में तो आई थोड़ी आवाज़, बाकी में सच में ही नहीं आ रही है। पहले तो मैंने कहा नहीं आ तो रही है, आवाज़ तो मैंने चेक करी थी, लेकिन फिर भी नहीं आई। अब गुरु जी जाने कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कि वो मैं कोशिश करूँगी वो सत्संग भी मैं इसमें दोबारा शेयर करूँ आंटी का। बाकी गुरु जी की जैसी इच्छा है, होता तो वही है ना। तो जो सत्संग आपके पास पहुँचने हैं वो आपके पास जरूर पहुँचेंगे, और यदि आपके पास सत्संग पहुँचते हैं गुरु जी की इच्छा से पहुँचते हैं, तो कृपया आप उन सत्संग को पूरा सुने और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरु जी का शुक्राना करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने सत्संग शेयर करना, और सत्संग शेयर करना, क्योंकि सत्संग शेयर करने का अर्थ ये नहीं है, कई लोग सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसी तरह से बहुत सारे मैसेज भी आ जाते हैं। तो शुक्राना जो आपको करना है वो आप अपने घर में गुरु जी के स्वरूप के आगे ही कीजिएगा। मेन बात जो आपकी अपनी ब्लेसिंग है वो यहाँ पे शेयर कीजिएगा कि गुरु जी ने आपको क्या ब्लेस किया है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि गुरु जी की जो आपको सत्संग शेयर करनी है, वो जो गुरु जी ने आपकी लाइफ में एकदम से चेंजेस लाए, जो काम इम्पॉसिबल थे वो हो गए, तो वो होते हैं हमारे शुक्राना के सत्संग। तो उन सत्संग का शुक्राना अब हमको करना है सत्संग को शेयर करके। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आई होगी, और गुरु जी जैसा बुलवाते हैं उनके हुक्म के अनुसार मैं बोल रही हूँ। जो कुछ भी आपको, अगर किसी को समझ में ना आया हो, तो आप मेरे से मैसेज करके दोबारा भी पूछ सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी के हुक्म से ये सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। और ये सत्संग जो आया है, ये आया है वॉशिंगटन से, और आंटी का सत्संग आप सुनिए। मैंने सुना है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी कहेंगे कि कैसे लाइफ में चमत्कार होते हैं, और हमें सिर्फ विश्वास और श्रद्धा की जरूरत होती है। देखिए आंटी ने अपने कितने काम केवल गुरु जी के जल प्रसाद से ही ठीक कर लिए, और सच में मिरेकल हुआ है आंटी की लाइफ में। तो शुरू करते हैं हम ये गुरु जी का सत्संग, और लेते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी महाराज से 2018 में जुड़ी, नवंबर में। उसके बाद गुरु जी ने काफी गुरु जी के दर्शन हुए हैं, ओम के दर्शन, ओम के हार्ट के अंदर ओम के दर्शन दीपक में, और काफी वैसे भी पीछे पीछे घर में खुशबू आती थी, जब ऐसा लगता था जैसे गुरु जी पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसा लगता था। इसमें
गुरु जी की रोज की फ्रेग्रेंस आती किचन के कोने में, जैसे किचन में भी आती। तो एक बार मेरी आंख में काफी बड़ी फुंसी सी, येलो येलो से काफी बड़ी होगी, स्वेलिंग आ गई बहुत ज्यादा आंख में, और मैं उसको आंख को खोल भी नहीं पा रही और ना नीचे को झुका पा रही हूँ। और मैं हस्बैंड से फोन पर, हस्बैंड जॉब पर थे, उनसे हस्बैंड से बोली कि मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लो, मेरी आंख से बहुत दर्द हो रहा है और मैं कुछ भी वो नहीं कर पा रही काम। तो मैं एक बार सत्संग सुना था, इसमें यूट्यूब पर सत्संग सुना था कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो उनके सामने चरणों में रख के और जहां भी कहीं दिक्कत है उसको यूज करो आप। तो मैंने वो उनके कहने का, अपॉइंटमेंट के बाद, हस्बैंड के बोलने के बाद, मैं घर बाहर ही थे जो ऊपर, मैंने पूरा दिन वो कई बार किया, आंख में जल प्रसाद डाला, आंख में जल ऐसे छिड़कती रही कई कई बार, कई कई बार दिन में को कई बार किया, कई बार किया। फिर मेरी आंख शाम तक जब वो आए बिल्कुल ठीक हो गई शाम तक। और थैंक, जय शुक्राना गुरु जी, गुरु जी महाराज का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना कि मुझे, फिर मैं भूल ही गई हस्बैंड को कि हाँ डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है क्या है। उसके काफी दिन बाद फिर दूसरी आंख में हो गया, काफी दिन बाद दूसरी आंख में हो गया, उसमें भी सेम ही फुंसी। तो मैं वही किया, तो गुरुजी महाराज का जल प्रसाद जल यूज किया, गुरुजी महाराज के चरणों का जल, ब्लेस जल, उनका अमृत जल यूज किया, उससे मेरी आंख में फिर वही फोड़े की तरह काफी बड़ी सी हो गई थी आंख, इतनी कि मैंने नीचे को झुक सकू ना इधर ना उधर, मोटा हो गया, स्वेलिंग हो गया लाल लाल, शाम तक वो भी ठीक होगी। दोबारा फिर एक बार थोड़े दिन बाद, काफी दिन बाद फिर मेरे पेट में ऐसा दर्द हुआ, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में काफी दर्द हुआ, मतलब झेला नहीं जा रहा था। तब भी मैं हस्बैंड को बोलने लगी, मैंने कहा मेरा अपॉइंटमेंट ले लो कल, जल्दी का ले लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा पेट में। तो हस्बैंड बोले तू अपने गुरुजी से बोलना, अपने हस्बैंड ने बोला अपने गुरुजी से बोल। मैंने फिर उन्हें कुछ नहीं कहा, बस मैं वो गुरुजी के सामने बैठ गए, गुरुजी से कहा गुरुजी मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, ऐसे कह के, और गुरुजी आपकी प्यारी बेटी हूँ, और मेरा ऐसा हो रहा थोड़ी, मतलब कुछ भी टाइम नहीं लगा होगा मेरे ख्याल से, 1-2 मिनट भी नहीं लगा होगा, वो पेट का दर्द यही नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है, बिल्कुल ठीक। शुक्राना मेरे गुरुजी का, वो दिन रात हमें संभालते हैं, कुछ भी होने नहीं देते, ऐसा रखते हैं जरा सी भी चीज हो कुछ भी हो उनका जल प्रसाद, मैं हमेशा गुरुजी का जल जल यूज करती, चाय चाय जैसे भी कुछ भी बनाऊ मैं उनको दे, एक टाइम लगाती हूँ सुबह के टाइम वो ही मैं हमेशा लेती हूँ, और बस मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ पेट दर्द कहाँ क्या, जैसे मैं डरती घबराती थी। और गुरुजी का जल, ये जल चरणों का जल, चाय चाय है जो भी मैंने भोग लगाया गुरुजी को, वो लेती हूँ, और शब्द सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए मेरे ये डर ये चीजों का पता भी नहीं चला कि कहाँ है कहाँ नहीं है, कुछ नहीं मालूम हुआ। जो डर, इतनी डरती थी घबराती थी, कूद कूद के पड़ती थी मैं, मतलब जैसे चारपाई पर लेट जाओ तो फुदक कर पड़ते, वो भी पता नहीं चला। वैसे भी काफी चीज घर में भी मुझे बहुत डर सा लगता था, वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से, उसका भी मुझे ये जल प्रसाद जल मैं हमेशा लेती हूँ गुरुजी का, चाय भोग लगा कर गुरुजी को, चाहे ब्रेड लगाऊं बिस्किट लगाऊं, ज्यादातर ब्रेड और चाय लगाती हूँ गुरुजी महाराज को, बस वही मैं ले लेती हूँ हमेशा। और मुझे ये नहीं मालूम हुआ कि वो डर कहाँ चला गया कहाँ नहीं, कुछ भी पता नहीं चला मुझे, कुछ नहीं होता ना, मैं चाय पीती थी, मैं चाय भी अच्छे से पीती हूँ, खाना भी खाती हूँ ठीक से। और उसके बाद दूसरा मेरे तो ये सही होता ही सब चला गया। फिर उसके बाद बेटी का सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं, बेटी को मेरे ख्याल से 30-40
उसने इंटरव्यू दे होंगे, उसका जॉब में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो मम्मी आया नहीं, मम्मी हुआ नहीं, वो मानती नहीं है, पर मैं उसे कुछ कहती भी नहीं हुई। बच्चे अगर जब जुड़ेंगे गुरुजी महाराज अपने आप जोड़ेंगे, तो मेरे से बोलती मम्मी अभी तक नहीं आया, मैं उससे बोली इंतजार कर, कोई बात नहीं, हो जाएगा कोई बात। तो वो अपनी सेम ही कंपनी में, मतलब 40 इंटरव्यू के बाद उसने अपनी सेम ही कंपनी में उसे इंटरव्यू दिया, और उसका सेम ही दिन पता चल गया कि ऐसे ऐसे, और अच्छी ऊंची पोस्ट पे, जिसके लिए उसे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने पैसे मिलेंगे। बस सुन के भी जब उसे मालूम हुआ कि इतने पैसे दे रहे हैं, उसने फोन करके मालूम किया कि ये अमाउंट ये दे रहे हो आप मुझे, तो उन्होंने कहा हाँ। तो वह भी एकदम हैरान हो गई कि इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी मम्मी, और ऐसा हो गया। बस मैंने कहा सब करने वाले ऊपर वाले हैं, मैं उसे ऐसे ही बोला, मैंने कहा बेटे करने वाले सब ऊपर वाले हैं, तो अपना काम करे जा, कोई बात नहीं, काम करे जा, तो अपना करने वाले ऊपर वाले हैं, ऐसे बोल के। पर गुरुजी महाराज का मैं हर एक एक चीजों के लिए शुक्राना करती हूँ, जो कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं, अभी तक भी उन्होंने किया, आगे भी वही करेंगे, उनका शुक्राना करती हूँ। बोलने में कोई गलती सलती हो जाए उसके लिए मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मैं गुरु जी महाराज से भी माफी मांगती है। गुरु जी अगर बोलने में कोई गड़बड़ सुड़बड़ हो जाए ना, है तो हम आप ही के प्यारे प्यारे बच्चे, हम सबको माफ कर देना, सबको बख्शना गुरु महाराज। मैं गुरु महाराज का सत्संग करने समाप्त करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी, सॉरी गुरु जी पहले तो मैं किया ही नहीं है, सॉरी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु महाराज आपका अनंतम शुक्राना, हर पल अनंतम शुक्राना, सबको बख्शना, सबका भला करना, लव यू गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी बेटी, सभी प्यारी बेटियों के ऊपर कृपा करना गुरु महाराज, आपकी सभी प्यारी बेटी सबका भला करना महाराज, हमारे से बोलने में कोई गड़बड़ सड़बड़ हो जाए ना तो माफ कर देना। आंटी ने कितना अच्छा सत्संग शेयर किया है, देखिए कैसे उनकी आंख की प्रॉब्लम और पेट की बीमारी, दोनों ही बीमारियां कैसे एकदम से ठीक हो गई। तो क्या केवल जल प्रसाद की शक्ति से, है ना? जब ज्यादा ही प्रॉब्लम गंभीर हो जाए तो डॉक्टर के यहाँ भी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के जाने से क्या है कि हमारे ऊपर जो भी बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, है ना? कई बार ऐसा होता कि एलोपैथिक दवाइयों की जरूरत पड़ती है, तो वो भी जरूर करनी चाहिए। उससे जब हम गुरुजी का नाम लेके खाते हैं तो उससे असर हमें बहुत जल्दी होता है, फास्ट हमारी रिकवरी हो जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, सत्संग बहुत अच्छा रहा, आंटी को खूब खूब ब्लेस कर रहे हैं आप, और हम सबको भी खूब खूब ब्लेस कर रहे हैं, आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और आंटी ने वॉशिंगटन से ये दूसरा सत्संग भी शेयर किया है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना सत्संग है ये। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप शुरू करूंगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज को नमस्ते, सभी को प्रणाम। हे गुरु जी महाराज, बोलने में कोई गलती हो जाए तो संभाल लेना आप अपने आप, और सभी संगत से भी माफी मांगती है, अगर बोलने में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाए माफ कर देना सब मुझे। ये मैं गुरु जी महाराज का अपने बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ शुक्राना। एक बार बेटा रात में घूमने के लिए निकला हुआ था, गया हुआ था रात के 12-1 बजे, अपना काम से आने खत्म होने के बाद में वो घूमने चला गया दोस्तों के साथ। मैं उसे पूछ भी रही थी कहाँ जा रहा, ये कोविड के बाद की बात है, 19 की बात है, 19 की टाइम, तो डेट तो मुझे सही याद नहीं, गुरु जी महाराज माफ कर देना। वो गया हुआ था फिर रात के 12-12 बजे के आसपास की बात होगी, मैं भी जगी हुई थी, तो उसका 12 मैं गुरु जी महाराज से
उसकी शिकायत कर रही थी गुरुजी महाराज के पास बैठ कर, बेटे की शिकायत कर रही थी। गुरुजी बच्चे आजकल के बच्चे ऐसे बच्चे बताते भी नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया क्या है, ऐसे ऐसे बोल रही थी। बोल के मैं तो सो गई, बोल बाल के इस तरीके से मैंने पता नहीं कहाँ गया क्या है, कुछ नहीं पता अभी तक कुछ। 12 बज चुके थे, 1 बज चुका, आया नहीं, कुछ नहीं आया नहीं था पूरी पूरी रात वो। फिर मालूम सुबह जो है, सुबह उठी मैं 9, पता नहीं टाइम भी नहीं ध्यान है मुझे। सुबह उठ के मन में एकदम से ही आया कि चलो वो चला जाए, टीवी में जैसे शब्द चला लेती थी या कुछ भजन चला लेती थी, तो मन में सबसे पहले ये आया कि ये चला कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ये मैंने ये चलाया, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। पहले है तो शुरू यहाँ से, मुझे करता करे न कर सके गुरु किए सो होए, ऐसे ये चल रहा चला लिया। मैं सुनती रही, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनती रहती थी। तो ये चलाया, उसके बाद मैं बाद में बेटी को फोन किया, या बेटी ने फोन किया था शायद, कि बेटी ने ही फोन किया था, हाँ, कि मम्मी रात भैया का ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी सारी खत्म होगी, और उनका इसने बुरी तरीके से हाईवे पे हुआ है, गाड़ी ऐसा ट्विस्ट पूरी घूम गई थी, राउंड राउंड कई राउंड लिए गाड़ी ने। वो किसी और के साथ था, किसी लड़की के साथ था, उस लड़की के थोड़ी सी चोट आई है, थोड़ी सी, वो हॉस्पिटल में लेके गया उसे, और बेटे के हाथ में हल्की सी चोट, उंगली में हल्की सी चोट आई। तो गाड़ी के ऊपर गुरुजी महाराज ने गाड़ी के ऊपर उतार दी, जो भी करा उन्होंने किया वो जानते तो वो हैं। दोनों बच्चों को बचा लिया, उन्होंने दूसरी लड़की थी जिसके साथ गया हुआ था घूमने वो, और उसको भी बचा लिया, उसको भी बचा लिया, दोनों को बचा लिया। बाद में एक यूट्यूब पे एक मैसेज आता है, जैसे मैं देख लेती थी यूट्यूब पे पहले ही जो मैसेज होता था, उसमें आता है मैसेज में लिखा आता है कि तेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो सारी जिंदगी बैठ कर रोती। इस तरह का मैसेज मेरे ऊपर था कि सारे तेरे बेटे के ऊपर जो आई थी, मतलब जो भी, मतलब पूरा तो मुझे वो नहीं, पर ये था कि हाँ तेरे बेटे को बचा लिया, नहीं तो सारी जिंदगी बैठ कर रोती तू, इस तरीके का। तो फिर मुझे बाद में माफ करना गुरुजी, फिर उन्होंने बच्चा वो भी नहीं, बेटा भी नहीं मानता ज्यादा, वो ज्यादा क्या, वो तो मानता ही नहीं, वो तो गुरुजी को जोड़ेंगे तो गुरुजी अपने आप, हमें पता नहीं, सबका अपना अलग अलग टाइम होता, करने वाले वो हैं, बचाने वाले वो है, करने वाले वो हैं। माफ करना गुरु महाराज, अगर कोई बोलने में गलती हो जाए, उसे बचा लिया। बाद में फिर क्या नाम, हजबैंड का क्या नाम है, ऐसा हजबैंड के भी पैर में दिक्कत सी हुई थी बहुत ही ज्यादा, उनका पैर पूरा स्वेलिंग, ऐसे इस तरीके से स्वेलिंग आ गई, और ऐसे लग रही थी पोजीशन जैसे पैर, डॉक्टर बोले थे कटने तक की नौबत आ जाएगी पैर की, इस तरीके से। एक तो पहले तो बेटे के ऊपर कृपा करी, दूसरी कृपा करी गुरु महाराज ने हजबैंड के ऊपर, उनका एक छोटे से दूसरे पैर के गाउट वाउट को क्या होता है मुझे भी नहीं पता ये चीजों का, एक दूसरी छोटी सी सर्जरी अंगूठे की हुई, उसी से उनका हो गया, चलने लगे धीरे धीरे, काफी टाइम उन्होंने रेस्ट किया, और फिर बाद में अपना उसी से उनका वो काट दिया। जिस टाइम वे हॉस्पिटल में थे उस टाइम में वहीं पर मंत्र चला रखा था, उनके उनके रूम में ही मंत्र चलाए रखती थी, वहीं पर अगर उनके पास रहती थी तो मंत्र जाप चला कर रखती थी। तो रात में जैसे ही उनकी सर्जरी हुई थी, रात के 3 बजे जैसे ले जा रहे थे नीला पहुंच पहुंच के करके, क्लीनिंग वगैरह करके ले जा रहे थे उन्हें ऑपरेशन के लिए, उससे पहले ही मतलब जब थे वहां पर उन्हें, तो मुझे वहाँ हॉस्पिटल के अंदर हल्की सी गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई, उसके साथ गुरु जी की फ्रेग्रेंस आई, मैं भी, मैंने कहा चलो गुरु जी है, करने वाले तो यही है,
गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु महाराज का अपना उन्हें भी संभाला, उनको भी बचाया, पता नहीं क्या सा क्या हो जाता, उनको भी बचाया आपने, बेटे को बचा लिया आपने, उस बच्ची को जिसकी बच्ची थी वो ठीक है, दोस्त थी उसकी, मुझे ज्यादा इतना नहीं मालूम उनके बारे में, पर उसको भी बचाया, उसको भी बचाया, सबका भला करना गुरु महाराज, सबको अच्छी बुद्धि देना, अच्छी सोच देना, सबको अच्छे रास्ते पर चलाना, सबका भला करना गुरु जी, हम सबको बख्शना गुरु जी, सबको बख्शना, और बोलने में कोई गलती सलती हो जाए ना गुरु जी, वो तो माफ कर देना, क्योंकि हम तो गलतियों के पुतले, हमसे तो गलतियां इतनी होती है कि आप तो हर कदम कदम पर हमारी गलतियों को माफ करते हो, माफ करना गुरु महाराज, माफ करना गुरु जी, हर एक एक चीज के लिए माफ करना गुरु जी, अगर कोई भी गलती हो जाए माफ करना, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा गुरु जी, आप ही का सहारा है हम सबको, हम सबको माफ करना गुरु जी, गुरु जी का समाप्त करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, माफ करना गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, हर एक एक चीज के लिए, हर पल पल आप सबको संभालने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए भी, सबके परिवार को संभालने के लिए, सबका भला करना गुरु जी, हम सबको अच्छी सोच देना, अच्छी बुद्धि देना, अच्छे रास्ते पर लेकर चलना, हर कदम पर हम सबका हाथ पकड़ कर रखना, कभी मत छोड़ना गुरु जी, किसी का भी हाथ कभी मत छोड़ना, सबका भला करना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक दिल्ली से ये सत्संग आ रखा है, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा सत्संग है ये, और देखिए गुरु जी ने कैसे इनके साथ मिरेकल करे हैं, तो है ना जो वो शेयर कर रही हैं, तो शुक्राना है गुरु जी। आप सुनिए इनका सत्संग, सत्संग सुनने से होते हैं ज़िंदगी में सच में चमत्कार, और वो चमत्कार भी इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा सा ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान बढ़ने के साथ साथ हमारा भरोसा बढ़ता है, और जितना ज़्यादा हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है तो डेफिनेटली मिरेकल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी जो नेगेटिविटी होती है ना, ब्लैक मैजिक तो जो है सो है, कर रहे हैं लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं भी है ना, तो समझो अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो भी वो ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लॉकेज मतलब कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी आने वाली है और वो अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी क्योंकि उसने रास्ता रोक लिया है। तो नेगेटिविटी हटाने के लिए हमें सत्संग सुनना बहुत ही ज़्यादा मिरेकल वाले रिजल्ट देने लग जाता है, तो सत्संग जरूर सुनना चाहिए और पूरा सुने सत्संग को। और ये दिल्ली से आंटी ने सत्संग भेजा है, सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, शुक्राना है गुरु जी का, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी। संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है वो एक शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। वैसे तो हम कितना भी बोले उनके लिए कम ही है, लेकिन किस तरह से गुरु जी आपको मतलब जोड़ते हैं सीधा ईश्वर के साथ, मतलब वो साक्षात महाशिव हैं, वो खुद भोले भंडारी हैं, लेकिन अगर आप किसी और भगवान जी को मानते हो, किसी भी भगवान जी को मानते हो, उनके किसी और रूप को मानते हो, राधा कृष्ण को मानते हो, माता शेरावाली को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, राधा स्वामी हो, या जैनी हो, या बौद्ध हो, या कोई भी आपका धर्म है, और आपका लगाव गुरुपा की तरफ हो रहा है, हमारे गुरु महाराज की तरफ अगर हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपके जो इष्ट हैं, जो आपके देवी देवता हैं, जिनके आप पूजन करते हो, या साईं बाबा हो, या कोई भी भगवान जी हो, राम जी हो, है ना, माता रानी हो, तो
वो उनकी कृपा से और उनके आशीर्वाद से ही है। ऐसे गुरु साक्षात शिव महाशिव बहुत कर्मों से मिलते हैं, बहुत ज्यादा कर्मानल मिलते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है ना। और मैं जो है कान्हा जी को मानती थी, साईं बाबा को मानती थी, बाके बिहारी जी को, राधा रानी जी को बहुत ज्यादा मानती थी है ना। लेकिन फिर बीच में ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या अचानक ही, या मेरे से कोई गलती हो गई या कुछ, कि मेरा कनेक्शन ना एकदम वो हो गया था। तो है तो मन में, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाती थी। अब किसी ने कुछ करा या क्या करा पता नहीं मुझे, मैं विश्वास नहीं करती। लेकिन गुरु जी के मेरे को मैसेज आते रहते हैं कि ऐसा हुआ है इसी वजह से, और मुझे भी लगता है कि शायद ऐसा हुआ था मेरे साथ, लेकिन अब कुछ नहीं है। तो मेरा ना पूजा पाठ एकदम छूट गया सी। मैं कई कई मंत्र जाप करती सी, बैठ के पूजा पाठ करती थी, अमृत वेला भी करती थी। लेकिन जब से गुरुपा ने मेरी लाइफ में एंट्री करी है, जब से गुरुपा आए हैं है ना, गुरु महाराज जी आए हैं, पहले तो मैं मुझे बहुत बार गुरु महाराज जी ने साक्षात दर्शन भी दिए। और जैसे मैं उनके लिए प्रसाद, पहले स्वरूप नहीं था, फिर स्वरूप मिला, मतलब हर तरह से जुड़ा, फिर कोई भी प्रसाद में। लेकिन वो आपको उसी रूप में दर्शन देंगे जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहते हैं, है ना। आपके इष्ट से आपका मिलन करवाते हैं। और गुरुपा ने, तो मैं क्या करूं, मेरा 1 साल से मंदिर भी जाना, हम इस्कॉन जाते थे, राधा कृष्णा मंदिर, वहां भी छूट गया था मेरा जाना है ना। मैंने किसी से दीक्षा नहीं ली, कहीं से कुछ नहीं, बस ऐसे ही अपना मन से मानती हूँ। और वृंदावन गए हैं हम 1-2 बार, तो ऐसे मानती हूँ है ना। तो क्या हुआ कि गुरु महाराज, जब मैं मंत्र जाप करती थी, गुरु जी जैसे धीरे धीरे जोड़ने लगे, मैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र मैं जाप करती थी। तो राधा राधा नाम लेती थी, ये मैं करती थी ना, तो क्या होता था कि गुरु महाराज स्वयं, मतलब मैं आंखें बंद करती थी तो गुरु महाराज आए एक बार और मेरे को क्या दिखाया कि मैनू कह रहे हैं, मतलब एक तरीका से जैसे वो अपना गेस्टर हाथ से करते थे कि चलो जाओ ऐश करो, इस तरह से उन्होंने मुझे बोला। और उनके हाथ में एक तुलसी माला है और वो मुझे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जल तू हुन बहुत कर लिया है, जब तब उठ जाए तो चल, ठीक है ठीक है, तू तुलसी माला पाले है ना, ऐसे आंखें बंद करके। और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं पता, हमारे जीवन में बहुत कष्ट आने वाला था, मेरी बेटी बीमार हुई, गुरुपा ने इतनी रक्षा करी है, मेरी बेटी को नई लाइफ दी, मेरी माँ को नई लाइफ दी, मेरी जो है मुझे, मतलब हम सबको इतना ब्लेस करा, मेरी पूरी फैमिली को, हमारे बच्चों को, सबको सबको एक तरह से नई जिंदगी दी है ना। हर बार रक्षा करते हैं, कोई विपदा, कोई आफत, कोई कष्ट, कोई संकट, कोई आपको नहीं घेर सकता, कोई आपके आस पास नहीं फटक सकता, कोई नेगेटिविटी की कोई औकात नहीं है कि आपके पास आ जाए, मतलब किसी की कोई वो नहीं है कि गुरुपा के रहते, वैसे तो सभी इष्ट देवता कोई भी हो किसी के रहते, लेकिन गुरुपा के रहते आपके पास कोई नहीं आ सकता, कोई गंदी एनर्जी नहीं आ सकती। तो इस तरह से, सॉरी संगत जी, तो मैं कहते सी कि ना, मतलब तुलसी माला मेरे को गुरुपा ने दी, लेकिन वैसे मैं आंखें बंद करके जाप कर रही हूँ तब। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2-4 महीने बाद ऐसे ही मैं मंत्र जाप करती, भोग लगाती, सब कुछ करती है ना। फिर क्या हुआ कि 4-5 महीने बाद फिर ना हम मंदिर गए, मंदिर गए यहाँ इस्कॉन। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना मेरे, मतलब मैंने और गुरु महाराज जी का शुक्राना करा। और मैं पहले तो राधे राधे बोलते हुए, वो मंदिर का जो रास्ता है ना तो काफी लंबा है, मतलब 2-4 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल, तो फिर राधे राधे बोलते हुए जाती थी। लेकिन इस बार मैं जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं ऐसे बोल बोल के पूरे रास्ते गई।
पहले मैं मेट्रो में, ट्रेन में, मतलब राधे राधे बोलती थी। अब मैं ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, तो है ना, वो बोलते बोलते गई। मैं भी हैरान, मैंने कह दी वाह प्रभु जी क्या करवा रहे हैं, तो चले गए। लेकिन जैसे ही फिर मैंने देख के, मुझे इतना इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती कि आपको वहां पे दर्शन करके, बाकी बिहारी जी कान्हा जी के इस्कॉन में। फिर क्या हुआ कि मैं अपनी आंखें बंद कर रही हूँ, तो जो शिवलिंग जो 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 बड़े मंदिर से है ना, सेम वैसी ही शिवलिंग मुझे वहां पर, इतना आंखें बंद करी तो मैंने वहां पर दिख रहे हैं, और मुझे दिख रहा है कि वो भोलेनाथ हैं, और इतना बड़ा स्वरूप उनका आंखें बंद करके मुझे दिखा, कि मतलब वो ये दिखाना चाहते थे और मुझे बताना चाहते थे कि मैं कोई दो नहीं है, मैं एक कोई है, मैं हर रूप दे विचा, जिदे विच तुसी मैनू भजोंगे, जिदे विच तुसी मेरा नाम लोगे, मैं ओचे ही थोड़े नाल जुड़ूंगा, है ना, वो ये बताना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे इस तरह से वहां पर दर्शन दिए, तो मैं और भी ज्यादा भावुक हो गई, और भी ज्यादा वहां पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरुपा मुझे कभी हलवे में, कभी रोट जो उन गली में प्रसाद बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, है ना। कई बार मेरे को जैसे अपने जिस घर कमरे में मेरा पूजा घर है, मंदिर है, वहां पे मेरे को खुशबू आती है गुरु जी की ना, फ्रेगनेंस आती है। और आज मेरे को हलवे की खुशबू आ रही थी, फिर मैंने गुरु पा के लिए हलवा बनाया, अपने लड्डू गोपाल के लिए हलवा बनाया, है ना। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ जब से, लेकिन मैं गुरुपा को मानने लगी हूँ ना, जब से मैंने इनके ऊपर आस्था करी है, गुरुपा का नाम लेती हूँ, उसके बाद से मेरी और लगन ना, मतलब हाँ। और मैंने, हमने इस कौन से, वहाँ तुलसी माला भी ली, मेरे हस्बैंड ने भी ली तुलसी माला, है ना। तो ये सब कुछ कब हुआ, ये गुरु महाराज जी के आने के बाद हुआ। गुरु महाराज जी के आने के बाद मेरी जिंदगी में, मैं इतनी उदास रहती थी, अकेली अपनी बच्ची के साथ, 4 साल की बेटी है मेरी, तो मतलब किसी से मिलती नहीं थी, रोते रहना, उदास रहना, आलस, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। लेकिन अब से मैं, जब से मैं जुड़ी हूँ गुरु पास, इतनी खुशहाली, इतना मन शांत, इतना मुझे अच्छा लगता है। और जो पैसे की भी कमी थी ना, गुरु महाराज मुझे नहीं पता कहाँ से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे 3-4 महीने पहले मेरे हस्बैंड ने काम कर रहे थे जहाँ पे, जिस उसमें मतलब कंपनी में, तो क्या हुआ कि उन्होंने हमारी 3 महीने की, 2-3 महीने की सैलरी हमें नहीं दी, वो पूरा जाते रहे काम पे, लेकिन उन्होंने हमारी सैलरी रोक ली। अब भगवान जाने क्या भगवान की इच्छा थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, है ना। लेकिन अब गुरुपा ने वो काम भी करवा रहे हैं गुरुपा, है ना, और वहां पे वो सैलरी भी हमारी आने वाली है, मुझे पता है वो जरूर आएगी, क्योंकि उससे रिलेटेड एक जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो हमने जमा करे हैं, अब वो भी गुरुपा की कृपा से वो भी आ जाएगी, तो मैं आपके साथ अपना और सत्संग शेयर करूंगी, ठीक है। तो मतलब यही मैं बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज हमारे इष्ट देवता से, जिनको हम आराधना करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, उनके साथ हमें जोड़ते हैं। वो ये नहीं कहते कि मेनू बजो तुसी मेनू इदा, लेकिन वो इतना प्यार करते हैं कि आपको खुद ही उनसे प्यार हो जाएगा। वो इतनी कृपा करते हैं, इतने दयालु हैं कि आप खुद ही नहीं रह पाओगे उनका नाम लिए बिना। तो मेरे जीवन में तो इतने मतलब इतने चमत्कार इतने हुए हैं, मैं क्या बताऊं, कि लड्डू गोपाल भी इतने नटखट हो गए हैं, बहुत चमत्कार करने लगे हैं जब से गुरु पा आए हैं मेरी लाइफ में। तो मैं बस अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और उनका बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।